दिल्ली के वजीरपुर जेजे कॉलोनी में एक युवक की चाकू उसे गोद कर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप मृतक की ही पहचान के एक दोस्त पर है जो फरार है। बताया जा रहा है कि देर रात एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड और दो दोस्त के साथ घूम रहा था। इसी दौरान बोतल से पानी पीने को लेकर वे आपस में झगड़ने लगे। तभी इसमें से एक युवक ने दूसरे दोस्त पर चाकू चला दिया, जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। आपका नाम? कुणाल। कुणाल, क्या हुआ कल रात को? हम भैया पानी पी रहे थे, उन्हें बोतल छीनने के चक्कर में यूं कर रहा, जिस लड़के को चाकू मारा ना, वो लड़का उसको धक्का दे रहा, उसने भी फिर चौक फैलाया और तीसरी बार में आगे उसने चाकू मारा, 5-6 चाकू लगे दिल विल में और यहाँ पर भी लगा, और जब उस टाइम खत्म हो चुका था वो गिर गया था मेरे ऊपर। अच्छा। वो भाग गया, वो लड़का मिला नहीं उसके घर पे, उसकी मम्मी को उसके ताऊ के लड़के को उठवा रखा हमने सर। बाकी अब ढूंढ रहे हैं लड़के से जिन्होंने चाकू मारा। एक ही लड़का था, दिमाग चला पड़ा उसका गांजे पी के इस वजह से थोड़ा बहुत। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।